हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे सोसाइटी में जामुन, जो अभी सीज़न चल रहा है ना, उसका पेड़ है यहाँ पे। तो बहुत सारे जामुन लगे यहाँ पे, तो वही देख रही थी मैं, थोड़े कच्चे वाले। और ये है शाम, दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बैंगन भून रही थी। और ऐसे हुआ कि मैं 3 से 4 बजे में खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ, तो बैंगन भूनने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही थी। तो आज विवान की बस को आने के लिए हो गया टाइम, तो मैं वेट ही कर रही थी अभी आएगी तब आएगी। तो वो बोल रहे थे ट्रैफिक में, मतलब किधर बस फंस गई है तो आ नहीं पाएंगे। तो मैंने विवान के पापा को भी फ़ोन किया था कि आप देखो, मतलब ऑफिस थोड़ा आसपास ही है, तो आप लेके आ पाओगे तो लेके आ जाओ विवान को। लेकिन मुझे लगा वो लेके आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी आधा पौन घंटा निकल गया। और मुझे वही लग रहा था कब तक वेट करेगा बच्चा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। तो बस मैं सोच रही मैं ही जाके लेके आ जाती हूँ, बस तो आ जाएगी, लेकिन कब आएगी वो पता नहीं है, कब ट्रैफिक क्लियर होगी वो पता नहीं है। और देखो, 1 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो यहाँ पे कोई ऑयल का डब्बा वगैरह कुछ होगा, तो पता नहीं क्या है ये चीज़, लेकिन ऑयल जैसे ही दिख रहा है पूरा, मतलब जहाँ पे पार्किंग है ना, सब जगह पे पानी के साथ ये फैल गया था। वहाँ पे हम बाइक साइकिल वगैरह पार्क करते ना, वहाँ पे ही हुआ था। तो मैं थोड़ा देख देख के चल रही थी, क्योंकि चप्पल और शू को लगना नहीं चाहिए। तो मैं तो जैस घर के कपड़े में वैसे ही निकल गई, क्योंकि और लेट नहीं होना चाहिए। तो बस मैं जाके देखूँगी, मुझे पता भी नहीं है बस कहाँ पे है, क्योंकि जो GPS का जो ट्रैकिंग का रहता है ना, तो दूसरे बस में ही बच्चे आ रहे थे। तो देखो, मैं थोड़ा आगे आई तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब ट्रैफिक लगी थी, गाड़ियाँ मतलब आने जाने के लिए जगह नहीं बन रही थी, और यहाँ पे हमेशा ही होता है। तो बस विवान को लेके मैं आ गई, बस में ही था, लेकिन और आधा पौन घंटा तो उसको लग ही जाता था घर पे आने के लिए बस से, तो मैं लेके आ गई थी। तो बच्चा भी खुश हो गया था कि मैं उसको लेने आ गई थी। और देखो, 4:45 हो गया है, वैसे वो 3:45 आता है, 2 घंटे लेट बस तो जाने दो, मेल लेने गई थी तभी भी, और आते ही देख रहा था, क्योंकि बैंगन की भुनी भुनी खुशबू आती है ना, तो उसको बैंगन भरता बहुत पसंद है। तो वही किचन में गया कि क्या बैंगन बना रहे हैं माम ऐसे, और आते ही उसका टेनिस क्लास रहता तो ऑलरेडी वो लेट हो चुका है। तो मैंने बोला रहने दो, आज नहीं बोल रहा था कि मैं जाता हूँ, थोड़ा मतलब मिस हुआ तो हुआ, एक्सरसाइज वगैरह जो करवाते स्टार्टिंग की वो मिस हो जाएगी उसके बस। तो बस रेडी वगैरह होके पानी वगैरह पी के वो तुरंत निकल गया, दूध भी नहीं बोल रहा था पीने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। तो बस वो जाएगा टेनिस क्लास के लिए उसके, और मैं करूँगी जो भी काम मैं छोड़ के गई थी हाथ का, वो बैंगन वगैरह भूनना उसको टाइम लगता है, फिर उसको ठंडा होने के बाद छीलना है। और बस उसको देख रही थी, तो मैं ऐसे करती हूँ, मतलब मैं तो नहीं जाती हूँ अभी उसको छोड़ने वगैरह वहाँ तक नीचे, नहीं तो मैं जाती थी बीच बीच में, कुछ दिन गई थी कि नीचे उसको छोड़ने जाती हूँ, वहाँ पर रुकती हूँ, लेकिन रुक के भी क्या करना है, सामने ही है घर, मतलब घर से दिख ही जाता है वो, तो यहाँ से ऊपर से देख ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो बैंगन भूनने बाकी थे वो भून लूँगी, एक ही बैंगन बाकी, अभी 2 मैंने भून लिए है, तो वही चलेगा। और ऊपर से मैं देख ही रही हूँ वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बीच बीच में मेरा ये चलता ही रहता है, मैं जब खाना बनाती हूँ इधर और वहाँ पे उसका ध्यान, मतलब उसकी तरफ मेरा ध्यान भी रहता है, कर रहा है नहीं कर रहा है अच्छे से, ऐसे होता है ना एक देखने के लिए कि अपना बेटा कर रहा है कि नहीं ठीक से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैंगन हरा प्याज डाल के बनाने वाली हूँ, जो महाराष्ट्रियन बैंगन का भरता रहता है ना, उस स्टाइल में बनाने वाली हूँ। जो हरा प्याज रहता है वो मैंने चाइनीज़ या वेज फ्राइड राइस वगैरह उसके लिए मंगाया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि इतना तो यूज़ नहीं किया जाता है उसमें, तो इसीलिए ये था। तो मैंने सोचा ठीक है, बैंगन का भरता इस तरीके से बना लेते हैं। तो मैंने वो बारीक बारीक कट कर लिया है हरा प्याज, और यहाँ पे एक तवे पे हरी मिर्ची ली है, और ये तीखा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा विवान के हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि वो इतना तीखा नहीं खा पाता है। तो बस मिर्ची को भून लेना है तेल डाल के थोड़ा अच्छे से, उसके बाद डालूंगी जो ये हरा प्याज है ना कटा हुआ, वो डाल दूंगी, और इसको ज़्यादा नहीं भुनना है, 1 से 2 मिनट भुनना है, और बस मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है वो भुनते भुनते, उसकी जो क्वांटिटी ना थोड़ा कम हो जाती है। और इसको भी थोड़ा तेल डाल के भून लूँगी, और दोनों को ठंडा होने दूँगी। विवान को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, जैसे वो प्याज टमाटर डाल के भी अलग से बनाते हैं, तो वो भी उसको पसंद है, और ये वाला भी बहुत पसंद है, और ये वाला ना पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैंगन हल्का गर्म था, लेकिन ठंडे हो चुके थे, जैसे मैं छील पाऊँ उसका छिलका निकल पाऊँ, तो बस उसको छील लूँगी, और एक बार बीच में चेक कर लूँगी कि कुछ कीड़े वगैरह है कि नहीं। वैसे तो नहीं निकलते ज़्यादा, क्योंकि बैंगन थोड़ा अच्छे ही आते हैं, चेक करके मतलब खरीदे ना, तो मतलब कीड़े वगैरह नहीं है उसमें, क्योंकि होल भी नहीं था कुछ उसको।
बैंगन को, तो सारे जो भी दो तीन बैंगन है वो सब छील के ऐसे एक बार चेक कर लूँगी। और बैंगन के अंदर ना एक खुद का तेल भी रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारा तेल भी निकल के आ चुका था। और ये जो लास्ट वाला बैंगन था ना उसमें बहुत सारा तेल था, तो वो ऐसे निकल के आ रहा था। तो मुझे मतलब ये फ्रेश बैंगन था फिर इसका मतलब ऐसे, तो जब मेरे मैके के साइड बनाते थे ना तो ऐसे ही बैंगन, ताज़े ताज़े बैंगन मिलते थे, उसमें से बहुत सारा ऑयल निकल के आता था। अभी ये जो छिले हुए बैंगन है तो इसको ना, ये मेरे पास स्मैशर है लकड़ी का, तो इससे स्मैश कर लूँगी। तो देखो इस तरीके से। और अभी जो मैंने प्याज भून के रखा था ना, हरा प्याज और हरी मिर्ची, तो यहाँ पे एक मिक्सी जार में पीसना है। तो सबसे पहले हरी मिर्ची और लहसुन लिया है कुछ, तो पीस लूँगी और इसको एक अलग से निकाल दूंगी। और सेम मिक्सी जार में मैं जो हरा प्याज भून के रखा था ना वो भी पीस लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखना है, देखो इस तरीके से। तो बस बनाते हैं अभी बैंगन का भरता। तो इसके लिए लिया है मैंने कढ़ाई, और तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें। तेल गर्म होने के बाद जीरा डालूंगी और मूंगफली डालूंगी। मूंगफली का जब तक कलर चेंज नहीं होता है ना तब तक भून लेना है उसको, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फिर भरित के साथ। और उसके बाद जो हमने ठेसा बनाया, ठेसा मतलब हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ना वो डाल देंगे। उसको भी एक दो मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये बैंगन के भरते में ना हरी मिर्ची लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद डालेंगे हमने जो बैंगन ऐसे स्मैश करके रखे थे ना वो डाल देंगे, और जो हरा प्याज है ना जो मिक्सर में पीसा था वो भी डाल देंगे। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, नहीं तो मैं डालती थी, तो जब तेल में ही डालती हूँ थोड़ा बैंगन डालने के पहले। और नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, और सबको अच्छे से मिलाते जाना है। देखो मैं ऐसे घुमाते जा रही हूँ ना, तो वैसे मिलाते जाना है उस तरीके से, मतलब सब अच्छे से चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। और इसको ढक के ना 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है अभी, क्योंकि बैंगन हमने पहले ही भुने हुए हैं गैस पे। तो बस 2 से 3 मिनट इसको बैंगन को पका लूँगी लो फ्लेम पे ढक के। और उसके बाद मैंने कुछ सब्जियाँ धो के रखी थी तो वो सूख चुकी है, क्योंकि गीली गीली सब्जियाँ मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो थोड़ा वो सूख चुकी थी, तो वही बॉक्सेस में भर के फ्रिज में रख दूंगी। तो बस लास्ट में एक बार बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे रेडी है बैंगन का भरता। तो 2 से 3 मिनट हो चुके, तो मैं गैस बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैं पूरी बनाने वाली हूँ, वैसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं ये, लेकिन पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और वैसे भी बहुत दिनों के बाद मैं पूरी बना रही हूँ। पूरी अभी नहीं बनाऊंगी, जैसे विवान आ जाएगा टेनिस की क्लास से उसके बाद बनाऊंगी। तब तक यहाँ पे बाकी काम कर रही हूँ मैं, जैसे डिश वॉशर खाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी डिनर के जो भी बर्तन है उसमें आएंगे शाम के। तो बस यहाँ पे विवान तब तक आ भी चुका है उसके क्लास से, तो वही पूछ रहा था मॉम बन गया है क्या बैंगन का भरता, तो मैंने बोला हाँ चलो तुम फ्रेश होके आ जाओ, तब तक मैं बनाती हूँ पूरी। तो जो भी बर्तन ऊपर ऊपर पड़े हैं ना वो डिश वॉशर में मैं रख दूँगी, जैसे मतलब खाली तो रहेगा ही, वो जो डिनर के प्लेट्स वगैरह रहेंगे या जो भी बर्तन रहेंगे वो बाद में ऑन कर दूँगी वो लगा के। तो वही बॉटल वगैरह लाके देता है, तो जब भी बाहर से आता है मतलब बॉटल लेके जाता है वो टेनिस क्लास में, उसमें क्योंकि कोई भी क्लास रहे वो फिजिकल एक्टिविटी रहे या कुछ रहे तो पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, और 1-1.5 घंटे का क्लास रहता है तो उसमें तो ज़रूरी है ही पानी, क्योंकि बच्चे खेल के थक ही जाते हैं इतनी एक्टिविटी वगैरह होती है। तो वही बॉटल वगैरह धो के रखा, वो भर के रखूँगी मैं अभी, और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह धुलने हैं हाथ से वो धो दूँगी। और डिश वॉशर तो मैंने अभी ऑन नहीं किया है, जब पूरे भर जाएगा तब ऑन करूँगी रात के टाइम डिनर के बाद। तो बस यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है और मैं बना लूँगी गर्मा गर्म पूरी। तो यहाँ पे सारी पूरी मैं बना लूँगी, और यहाँ पे विवान को सबसे पहले दे दूँगी, क्योंकि एकदम गरम गरम नहीं खा पाता है वो, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही खाता है। तो सबसे पहले विवान का प्लेट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे है बैंगन का भरता, दही, प्याज, नींबू और पूरी। और ये है हमारी सिंपल डिनर थाली आज की, बहुत ही टेस्टी लगता है पूरी और बैंगन का भरता। और विवान थोड़ा दही के साथ खाएगा, वैसे कोशंबीर वगैरह जो बनाई जाती है ना प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के, वो भी अच्छी लगती है इसके साथ, तो थोड़ा तीखा रहता है तो विवान इसलिए दही के साथ खाएगा। तो वही पूछ रही थी उसको तीखा है या कैसे लगा बताओ, तो बोल रहा तीखा नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है। और यहाँ पे आधी रोटी भी बची थी सुबह की, तो उसको भी मैंने थोड़ा तेल में फ्राई कर लिया था, क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसे क्रंची थोड़ा अच्छा लगता है भरते के साथ।
और उसके बाद दे दूंगी मैं पेड़ पौधों को पानी, क्योंकि मैंने पूरी वगैरह सब फ्राई कर लिया है। और विवान को पापा को आने को होता है ऑफिस से लेट, तो तब तक हम मतलब सोने के इसमें ही रहते हैं तैयारी में, तो उनके लिए भी मैंने पूरी बना के रख दी है। वैसे तो इतना उनको पसंद भी नहीं कि गरम गरम खाना, मतलब खाना पसंद है उनको, तो वो ऐसे नॉर्मल खा भी लेते हैं ऐसे। तो बस यहाँ पे पेड़ पौधों को पानी डाल दूंगी, और शाम के टाइम में ज़्यादा करके मैं पानी डालती हूँ पेड़ पौधों को। कभी मतलब रह गया, बाहर जाना रहता है, तब मैं मतलब सुबह दे देती हूँ दूसरे दिन। और अब बारी आती है किचन साफ़ करने की, तो पानी देने के बाद यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और जब बैंगन भूनते हैं ना गैस के ऊपर, तो बहुत सारा मतलब उसका जो ब्लैक रहता है, छिलका रहता है ना, वो गिर जाता है और बहुत मतलब ख़राब हो जाता है गैस स्टोव, तो उसको तुरंत ही मैं साफ़ कर लूँगी। नहीं तो ऐसे ही रहा ना तो ज़्यादा और ख़राब हो जाता है, वो चिपक जाता है, ऑयली वगैरह रहता है थोड़ा। तो शाम के टाइम यही रहता है मेरा, डिनर पूरा बनने के बाद मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ, और गैस के नीचे से भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो वहाँ पे भी खाना मतलब गिरा रहता है, कुछ खाने की चीज़ें हैं तो उससे कॉकरोच और बढ़ते हैं। बाहर मैंने आज लाइटिंग ऑन कर दी है, तो शाम के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है लाइट। और जो भी डिनर के बर्तन वगैरह है ना, वो डिशवॉशर में लगा दूंगी और डिशवॉशर ऑन कर दूंगी। और विवान के पापा ने आते वक्त कुछ फ्रूट्स और ये हरा धनिया लेके आए थे, मैंने ही बोला था उनको कि हरा धनिया खत्म हो गया है, जैसे बैंगन के भरते में भी नहीं था डालने के लिए, नहीं तो ये डाला ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वही फ्रिज में रख दूंगी। मैंने हरा धनिया को वॉश नहीं किया है, क्योंकि अभी सूखने को उसको टाइम भी लग जाएगा, और वॉश करके रखे ना वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो बस ऐसे ही कवर में मैंने पैक करके रख दिया है। और यहाँ पे अभी इस साइड का जो प्लेटफॉर्म है, काउंटर टॉप है किचन का, वो साफ़ कर लूँगी, और सुबह रहे या शाम को रहे मैं ऐसे पूरा क्लीन कर ही लेती हूँ। तो अभी सब्जियाँ वगैरह थी यहाँ पे, तो वही थोड़ा स्क्रब वगैरह लगा के साफ़ कर लिया है, और विवान के पापा को दे दूँगी डिनर, वो कर लेंगे अभी डिनर। और यहाँ पे है मेरा पूरा किचन क्लीन, तो सिंक वगैरह सब मैं साफ़ कर लेती हूँ सोते वक्त, कोई भी बर्तन नहीं रखती हूँ सिंक में। और सुबह के टाइम जब टिफ़िन वगैरह बनाना है, तो पूरा खाली रहता है किचन, साफ़ सुथरा रहता है, तो सुबह सुबह मन भी अच्छा रहता है खाना बनाने के लिए। और उसके बाद लूँगी विवान का होमवर्क, और होमवर्क ना इतना है आजकल विवान का होमवर्क कि मतलब रोज़ भी करे ना वो ख़त्म भी नहीं होता है। और बच्चों का स्पीड तो आपको पता ही होगा, तो मतलब अभी सीख रहे, उनका स्टार्टिंग है बेसिक है, तो उसका विवान का स्पीड भी मतलब कर लेता है, लेकिन बच्चों को समझाना है करवाना है तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये होमवर्क लेना तो मेरे ऊपर से ही है, तो ठीक है जो भी है, आज का जो होमवर्क है वो करवा रहे थे, और बीच में मैंने कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं किए थे। तो ये है सैटरडे का, तो सैटरडे हम गए थे बाहर, तो वही सोच रहे थे हम नाश्ता करने चलते हैं किधर। विवान के पापा को किसी ने बताया होगा ऑफिस में कि एक जगह है वहाँ पे फेमस है, तो एक है लेकिन वो बंद हो गया था सुबह सुबह, मतलब 7-8 बजे तक बंद ही हो जाता है, तो उसके आसपास ही एक शॉप दिखा था, यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ थी, तो हमने सोचा ठीक है यहाँ पे ही कर लेते हैं नाश्ता। और यहाँ पे ली मैंने फिल्टर कॉफ़ी मेरे लिए सिर्फ, और हमने नाश्ते में किया था इडली वड़ा और क्या क्या 2-3 चीज़ें थी, और मतलब सब ट्राई किया एक एक। और यहाँ पे कोई अंकल मिल गए थे विवान को, तो उनसे भी बातें, मतलब विवान हर किसी से बात कर लेता है, तो वो अंकल को भी विवान बहुत पसंद आया था, तो वही पपी दे रहे थे उसको, तो बाय कर रहे थे हम, क्योंकि हम और यहाँ पे सामने ही उस शॉप के सामने ही जो होटल है ना रेस्टोरेंट, उसके सामने ही एक पार्क था, तो हम पार्क के अंदर भी गए थे कि क्या है, बड़ा सा पार्क दिख रहा था, तो बहुत बड़ा और अच्छा क्लीन वाला पार्क था यहाँ पे। Dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are. Painting over every scar, turning tragic into art. Feels like magic, just like magic. तो हम वही देख रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे, बड़ा सा था और बच्चों को खेलने के लिए भी मतलब पार्क था छोटे छोटे, और विवान यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, और विवान के पापा और हम दोनों भी यहाँ पे बैठे थे, और छाव भी बहुत अच्छी खासी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे, मतलब पूरा टाइम अच्छे से निकल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्लाइड था, सीसॉ था, तो विवान के साथ मैंने थोड़ा सीसॉ भी किया, मतलब अच्छा लग रहा था वो, और मतलब बहुत बड़ा था, तो अलग अलग जगह पे भी ये जो खेलने के था ना वो था वहाँ पे, तो जाते जाते मतलब वही देखते जा रहे थे। और पार्क वैसे 10:30-11 ऐसे कुछ मतलब बंद हो जाता है, तो वही सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि अभी बंद हो चुका है, तो मतलब खेल नहीं सकते, बैठना है तो बैठ सकते थोड़ी देर, लेकिन हमको भी टाइम हो जाएगा घर के लिए जाने के लिए, थोड़ा घर से दूर था। और ये है कटहल का
पेड़ जैकफ्रूट, तो छोटे छोटे कटहल आए थे इसको। तो यहाँ पे बैंगलोर में ना मैंने बहुत जगह पे देखे, रोड पे, मतलब एक रोड पे तो एक कटहल का झाड़ तो है ही पक्का। तो निकलते वक्त हमको ये दिख गया था, कटहल का जो फल रहता है ना, जैकफ्रूट फ्रूट, तो वो ले लिया था हमने। तो एक येलो और ऑरेंज कलर में था, तो ऑरेंज वाला ना बहुत मीठा रहता है, तो हमने वो कुछ लिया था, डजन के हिसाब से मिल रहे थे। तो उसके बाद जाते जाते ना हमको एक एग्जीबिशन जैसे कुछ दिखा, तो मैंने बोला चलते हैं, विवान को मामा को बोला कि चलो, और मुझे ये देखा ना तो मेरे से रहा नहीं जाता है। तो हम अंदर आए तो वहाँ पे लिखा था कि मैंगो का एग्जीबिशन है अभी, तो हमने वही सोचा कि चलो एक बार देख तो लेते क्या है। तो यहाँ पे मैंगो के बहुत सारे डिशेस थे, यहाँ पे मैंगो जिलेबी है, मैंगो चित्रानम है, मैंगो है, क्या है, बिरयानी है, भजी है, मैंगो का गुलाब जामुन खाया हमने। तो बहुत सारे मैंगो के आइटम थे, मतलब ये स्पेशली मैंगो के सीज़न के ऊपर था ये यहाँ पे। तो यहाँ पे बना भी रहे थे, जैसे ये सोन पापड़ी है मैंगो की है, और एक कुछ हलवा है, बॉम्बे हलवा बोलते हैं, मिठाई है, अलग अलग तरीके के स्नैक्स भी थे यहाँ पे। तो वही हम देख रहे थे, और सुबह का टाइम था ना, तो इतना मतलब ओपन भी नहीं हुआ था। ये है मैंगो का गुलाब जामुन, तो हमने पहली बार खाया था आम का गुलाब जामुन। और ये है कुछ स्नैक्स मिक्सचर वगैरह काउंटर था उसका भी, पूरा चीज़ें मैंगो डाल के बनाया था उन्होंने। तो हमको वही लग रहा था ये जो पापड़ है ना, ये भी मैंगो से ही बनाए थे। तो हमने टेस्ट करके भी देखा था कि कैसे आता है। और अभी शॉप ओपन ही हो रहे थे, जैसे मैंगो की अलग अलग वैरायटी थी यहाँ पे, अलग अलग तरीके के मैंगो थे, जैसे बादामी है, दशहरी है, मलिका है, अल्फांसो है, बड़े बड़े अलग अलग तरीके के मैंगो थे। जैसे हम लास्ट टाइम लाल बाग में गए थे, तो वहाँ पे जैसे एग्जीबिशन था उसी तरीके का था, बस यहाँ पे खाने की चीज़ें भी थी मैंगो से बनी हुई। तो बस हम खा के वही देख रहे थे कि कैसे है, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने मैंगो पल्प वगैरह फ्रेश वाला नहीं डाला होगा इन चीज़ों में, जो सिरप वगैरह आता है ना वो डाला होगा। तो हमने सोचा चलो जाते वक्त कुछ मैंगो वगैरह लेके जाते, जैसे दशहरी है, तोतापुरी है, तो हमने एक दो मैंगो लेके निकल ही रहे थे। तो निकलते निकलते मेरी एक जगह पे नज़र गई, तो मैंने बोला चलो चलते हैं, विवान के पापा बोलते नहीं रहने दो, नहीं चलते। मैंने बोला नहीं नहीं दिख गया तो चलते, ये तो क्या है वहाँ पे। तो ये था एक शॉप, जैसे ब्रास के आइटम वगैरह दिख रहे थे मुझे दूर से, तो चलो एक बार देख तो लेते हैं। और ये चीज़ें देख के ना, मतलब एक एटलीस्ट मैं देख तो लूँ, लेना है नहीं लेना है वो अलग चीज़ है, लेकिन देखना तो बनता है। तो देख के मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मुझे ये चाहिए था एक ब्रास की, क्या बोलते हैं, ग्रेटर बोलते ही है ये था। तो लेकिन बहुत महंगे थे, तो बहुत सारे आइटम्स थे यहाँ पे ब्रास के, कॉपर के भी थे, पुरानी चीज़ें थी, मतलब सेकेंड हैंड जो बोलते हैं ना वो भी थी। मुझे कुछ प्लेट्स वगैरह भी अच्छी लगी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो रेट वगैरह कम करने के लिए नहीं बोल रहे थे। वैसे सेकेंड हैंड भी थी तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं मिलता है, वैसे बराबर है, कोई चीज़ें नहीं मिलती है हर जगह पे, लेकिन वही रेट देख के तो मेरे से होगा नहीं, मेरे बजट के बाहर भी था। और विवान के पापा वही बोलते क्यों लेना है, मत लो रहने दो, मतलब इतना महंगा भी है। तो और विवान के पापा को वही लगता है, मतलब किचन में है सारी चीज़ें तो क्यों लेना है। और मुझे ब्रास की चीज़ें बहुत पसंद है, मैंने छोटी मोटी एक दो चीज़ें ली है, तो वो दिखाऊंगी आगे जाके आपको। तो उसके बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो विवान ने भी यहाँ पे ट्रैम्पोलिन जो है वो थोड़ी देर खेल रहा था यहाँ पे। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर मेरे चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।